बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चलता टीवी और मैं हूं इब्रार हुसैन। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पाकिस्तानी मसनूआत को बरतानिया की मंडियों में मुतारफ करवाने के लिए पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल का अहम कदम। पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल ने लिंका शहर के अग्रिंगटन में छत के नीचे प्राइम बाजार और तमाम पाकिस्तानी मसनूआत की तकसीम के लिए एक मरकज कायम कर दिया। मेड इन पाकिस्तान नामी इस मरकज में बहुत सारे ब्रांड्स के पाकिस्तानी खाने पीने के ब्रांड कुनंदगान, जिनमें मेहरान मसाला, यूनाइटेड किंग बेकरी, दानियाल फूड और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स शामिल हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी मसनूआत को फरोग देने के लिए मैनचेस्टर के पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल और पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेस काउंसिल ने एग्रिंगटन का दौरा किया, जहां मकामी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस मौके पर चलता टीवी से टेलीफोन पर बात करते हुए पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के सीईओ राशिद इकबाल ने कहा कि मकामी कारोबारी कम्युनिटी को पाकिस्तानी मसनूआत और पाकिस्तान के इमेज को पॉजिटिव तौर पर पेश करने की हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल का सिर्फ रोल ये होता है कि जी एक तो फैसिलिटेट करना और जो कहा है वो डिलीवर करेंगे। ये है कि ये पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल की जानिब से ये उनके काविशों से ये हमने हब क्रिएट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन हब है, जिसमें तमाम पाकिस्तान के गुड्स जो है वो यहीं से जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और 6 महीने जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था उस वक्त जो है ये हमने ये जगह ली थी और उसके बाद से जो 6 महीने के अंदर इतनी तेजी से ये हमने काम फैलाया है बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चलता टीवी।